नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 अक्टूबर से चुनावी सभा शुरू होने जा रहा है। 23 अक्टूबर को सासाराम में उनकी पहली चुनावी रैली है। एनडीए के कार्यकर्ता इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोजपा भाजपा के रिश्ते को लेकर क्या बोलते हैं। प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां एनडीए के कार्यकर्ताओं की दुविधा दूर करने में मददगार साबित हो सकती है। दरअसल बिहार में चिराग पासवान के बयानों ने एनडीए के कार्यकर्ताओं को भ्रम में डाल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी रोहतास जिला के सासाराम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री के इस चुनावी सभा के साथ ही राजनीति में फैल रही सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा पार्टी भाजपा जदयू वाली एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि केंद्र में लोजपा भाजपा के साथ ही है। इन दिनों लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान प्रधानमंत्री को लेकर तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जो जदयू के नेताओं को हजम नहीं हो रही है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री की तारीफ करते नहीं थकते, जबकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार आलोचना ही कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि वो अब की बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जबकि भाजपा नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू दोनों साथ मिलकर ही लड़ रहे हैं। रोहतास जिला के कुल 7 विधानसभा सीटों में से 5 तो जदयू के ही उम्मीदवार हैं, जबकि 2 सीट भाजपा के खाते में गई है। खास बात यह है कि इसी क्षेत्र से भाजपा के 2 बड़े बागी नेता भी चुनावी मैदान में हैं। सासाराम में रामेश्वर चौरसिया चुनाव लड़ रहे हैं और दिनारा से राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों नेताओं को भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता था, लेकिन अब स्थिति अलग है और दोनों नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि भाजपा के ये बागी जदयू के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सासाराम रैली से आसपास के कुल 25 विधानसभा क्षेत्रों को वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया है। इनमें दोनों दलों के भागीदारी 12-12 सीटों की है, जबकि 1 सीट वीआईपी के खाते में गई है। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बागी भी इन्हीं क्षेत्रों से चुनावी मैदान में है, जो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहां बागी सिर्फ भाजपा के ही नहीं है, बल्कि जदयू पार्टी के भी बागी शामिल हैं। संदेश विधानसभा सीट से भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी श्वेता सिंह लोजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं डुमराव सीट से जदयू से बेटिकट किए गए ददन पहलवान निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली का जितना इंतजार भाजपा को है, उतना ही इंतजार जदयू को भी है। जदयू पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा लोगों के अंदर पनप रही नकारात्मक विचारों को खत्म कर देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।